गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप अकाउंट्स. और उसमें जो आज हम टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक नए पार्टनर को आप पार्टनरशिप में तभी एडमिट कर सकते हो जब आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उसके लिए एग्री हो. सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो कंसेंट है वो ज़रूरी है किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एग्री करने के लिए. और जिस डेट से वो नया पार्टनर एडमिट हो जाता है आपकी पार्टनरशिप में, तो जो भी आपका एग्रीमेंट था पुराने पार्टनर्स के बीच में वो ख़त्म हो जाता है और एक नया जो एग्रीमेंट है वो स्टार्ट होता है. तो जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ख़त्म और जो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इफेक्ट में आ जाता है. तो एक नया जब पार्टनर आप ऐड करते हो एडमिट करते हो अपनी पार्टनरशिप में, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों आप नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो अपनी पार्टनरशिप में. अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है कैपिटल की, दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं लेकिन आपको स्टिल लगता है कि और हमें कैपिटल चाहिए और वो दो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो और कैपिटल नहीं ला सकते, तो आप किसी और नए पार्टनर को जो है पार्टनरशिप में एंटर करवा सकते हो. तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर आपको और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस तो आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है बिजनेस को रन करने के लिए, ये रीज़न हो सकता है कि क्यों आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं. फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं क्योंकि वो रिप्यूटेड पर्सन है. देन आप इनकरेज करना चाहते हैं किसी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को उसे पार्टनर बना के पार्टनरशिप में. देन आप एडमिट करना चाहते हैं एक नए पार्टनर को इसलिए क्योंकि जो एक पुराना पार्टनर है वो पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है या फिर वो रिटायर हो रहा है. कोई भी रीज़न हो सकता है एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए. तो अब जब नया पार्टनर आता है आपके पार्टनरशिप में तो बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको इफ़ेक्ट आपने देना होता है अकाउंट्स में. अब हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के लिए भी फॉलो होगी. जब आप पार्टनरशिप में आए स्टार्टिंग में, जब आपने ओरिजिनल पार्टनरशिप शुरू की, तो आप दो पर्सन्स थे. उन दो पर्सन ने एग्री की चीज़ें और उन्होंने बिजनेस को रन किया थोड़े टाइम पीरियड के लिए. और उसके बाद उन्हें नीड लगी कि नए पार्टनर की ज़रूरत है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनमें से किसी एक पार्टनर ने सोचा कि नहीं अब मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना है, मुझे पार्टनरशिप से बाहर निकलना है. ज़रूरी नहीं है वो दो ही पार्टनर थे, वो दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं. लिमिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 20 persons इन केस ऑफ ऑर्डनरी बिजनेस एंड 10 persons इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की. अब वो जो पार्टनर्स हैं जो दो पार्टनर ओरिजिनली थे, जब उन्होंने बिजनेस थोड़े टाइम के लिए रन किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी स्टार्टिंग में डिसाइड हो चुकी थी. उसके बाद जब उन्होंने बिजनेस को रन किया तो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए, बिजनेस ने कुछ गुडविल भी कमाई और वो जो पार्टनर से उन्होंने कुछ एसेट्स भी खरीदी, उस एसेट्स की वैल्यू में भी चेंज हुआ. तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो पार्टनरशिप में चले आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में आई, जैसे गुडविल हो गया या जो नई एसेट्स हैं वो हो गया. तो अब वो ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें. जब आप किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो आपकी पुरानी जो आपका एग्रीमेंट था पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हुआ और नई पार्टनरशिप शुरू हो गई, आपका नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया. सेम तरीके से ये था एडमिशन के केस में कि आपने नए पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप में आप लेके आए तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी एग्रीमेंट था वो ख़त्म हुआ और नया जो एग्रीमेंट था वो शुरू हो गया. सेम तरीके से अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है
तो वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, और उस दौरान भी सेम चीज इफेक्ट होगी कि जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और जो नया एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब जब पार्टनरशिप में कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो वो चीजें जो स्टार्टिंग में दो पार्टनर्स ने जब मिलके शुरू की थी और बिजनेस थोड़े टाइम के लिए रन किया था, उस दौरान जो भी उन्होंने अर्न किया उन सब के ऊपर इफेक्ट आता है। और भी चीजें हैं जिनके ऊपर इफेक्ट आता है, वो क्या-क्या चीजें हैं, वही जो ये आपका चैप्टर आप करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पार्टनरशिप अकाउंट में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे आपको करनी है एडजस्टमेंट्स के अंडर कि क्या क्या चीजों पे इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से उनको इफेक्ट दिया जाएगा। तो अगर आप खुद भी अगर आप इमेजिन करें कि आप दो पर्सन्स हैं और दो पार्टनर जो है मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप नए पार्टनर को लेके आते हैं तो आप उससे क्या क्या लेंगे और आप उसे क्या क्या देंगे, तो वो सब चीजों का इफेक्ट आपको यहाँ पर इस चैप्टर में सीखना है, और किस तरीके से उसे अकाउंट्स में इफेक्ट किया जाता है वो आप यहाँ पर सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट्स। जब ओल्ड पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, आपने नए पार्टनर को बिजनेस में एंटर करवाया, पार्टनरशिप में आप लेके आए, तो जो ओल्ड एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का वो खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं जो उस टाइम पे चाहिए होंगी आपको, इफेक्ट जिनको देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपने नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया तो जो पुरानी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो खत्म हो गई और नई प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो अब एग्जिस्टेंस में आएगी। सपोज हम लेके चलते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट था लेट इट बी 1, पहले जब आप उसे डिवाइड कर रहे थे दो पार्टनर्स के बीच में तो वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा था, वो 50-50 डिवाइड हो रहा था, 50-50 इज इक्वल टू 100, ये जो था रेशो था। अब जब नए पार्टनर को आप लेके आए पार्टनरशिप में तो टोटल प्रॉफिट तो वही 100 रहा, लेकिन वो 100 अब तीन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, वो किस रेशो में डिवाइड होगा जब आप नए पार्टनर को लेके आ रहे हो वो आप तब डिसाइड कर सकते हो कि नए पार्टनर को आपने कितना शेयर देना है अपने प्रॉफिट्स में। सपोज आपने कहा कि आप नए पार्टनर को लेके आ रहे हो 20% प्रॉफिट के लिए, आप 20% प्रॉफिट के लिए लेके आए मतलब 100 में से 20 जो है वो प्रॉफिट हो गया सी का, और अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है आपका जो 80% प्रॉफिट आपका बचा वो जो आपके ऑलरेडी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी कितनी हो गई, 40 40 और 20, 40 40 और 20, तो 40 + 40 + 20 इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट उतना ही है, 100 हम लेके चल रहे हैं, उसका डिवीजन अलग हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, पहले नए पार्टनर्स के आने से पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी पुराने पार्टनर्स में वो थी 50-50, अब नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई, 40-40। अब इसका मतलब कि जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 10% किसको दे दिया, नए पार्टनर को दे दिया, तो उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग थी रेशो वो कम हो गई, पहले वो 50-50 शेयर कर रहे थे अब वो 40-40 शेयर कर रहे हैं, दोनों ने अपना 10-10% सी को दिया तो उसका 20% बन गया। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें पता चल गई कि नया पार्टनर आया तो वही 100 का जो प्रॉफिट है तीन में डिवाइड हो गया,
और अब इसमें अगली चीज क्या आई, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आया कि नए पार्टनर के आने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने भी अपना जो ऑलरेडी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, उसमें कुछ चेंज हुआ। हो सकता है उसमें जो ये सेक्रीफाइस किया पार्टनर ने कि हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10% सी को दे रहे हैं, दोनों ने कहा कि 10-10% दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में दोनों 10-10% देके कहते हैं कि हाँ सी को आप एडमिट कर लो। हो सकता है जो तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, उसमें से जो ए है वो कहता है कि चलो मैं दे दूंगा, लेकिन बी कहता है मैं नहीं दूंगा, मैं अपना 50% रखूंगा, और सी को आपने एडमिट कर लिया 20% के लिए। तो उस केस में क्या रेशो बनी, ए ने कहा मैं दे दूंगा, तो मतलब 20% जो सी को मिला वो सिर्फ और सिर्फ ए ने दिया, तो ए का शेयर कितना रह गया 50 में से, आपने 20 माइनस किया तो उसका शेयर सिर्फ 30 रह गया, और बी ने कहा मैं नहीं दूंगा, बी का 50 का 50 रहा और सी का 20 हो गया। तो अब रेशो क्या हो गई, ए का 30%, बी का 50% और सी का 20%, तो 30 + 50 + 20 अगेन इज इक्वल टू 100। तो कुछ पार्टनर्स हो सकता है सेक्रीफाइस करें, कुछ हो सकता है सेक्रीफाइस बिल्कुल ना करें, और ये भी हो सकता है कि नए पार्टनर को जब आपने एडमिट किया तो हो सकता है पुराने पार्टनर्स में से एक सेक्रीफाइस करे और एक गेन करे। ये जो सिचुएशन है ये भी अराइज हो सकती है। सपोज तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, पहले शेयर कर रहे थे प्रॉफिट 50-50 की रेशो में, उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया पार्टनरशिप में 20% के लिए, सी का शेयर कितना हो गया 20%, ए ने उसे सेक्रीफाइस किया, ए ने कहा, ए ने एग्री कर लिया कि उसका जो शेयर होगा वो होगा 20%, ए ने एग्री कर लिया 20%, बी ने एग्री नहीं किया कि वो देगा, तो बी का शेयर अभी हमें कैलकुलेट करना है। ए का हुआ 20%, सी को आपने एडमिट किया कितने के लिए 20% के लिए, तो बी का शेयर कितना बचा 60, पहले जो बी का शेयर था वो था 50-50, अब जो आपका शेयर है बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में, बी का शेयर है 60, तो बी ने गेन किया और ए ने सेक्रीफाइस किया जब आपके सी ने एंटर किया। तो जब कोई भी पार्टनर एडमिट कर रहे हो आप उसे पार्टनरशिप में, तो सबसे पहले जो चीज आएगी दैट इज कैलकुलेशन करना होगा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। क्यों? क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स आपके डिवाइड होंगे वो इसी रेशो में होंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दूसरी चीज जो आपको कैलकुलेट करनी होगी दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो और दूसरी जो चीज होती है दैट इज गेनिंग रेशो। दो रेशोज हैं, एक है सेक्रीफाइसिंग रेशो और एक है गेनिंग रेशो। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि एक में बी का पहले 50 था फिर 60 हो गया, एक में 50 था पहले भी बाद में भी 50 रहा, और एक केस में उसका पहले 50 था और फिर 40 हो गया। तो हो सकता है कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करे और हो सकता है कुछ पार्टनर गेन करे। तो कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो की और कैलकुलेशन गेनिंग रेशो की। नॉर्मली हम ये लेके चलते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो एडमिशन के टाइम पर आती है, क्योंकि जब आप नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, और गेनिंग रेशो तब आता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। क्योंकि जब जो पार्टनर है वो जा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट, उसका जो शेयर था वो बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर रिटायरमेंट या डेथ का जो सिचुएशन है पार्टनरशिप में आया है तो वहाँ पे गेनिंग रेशो होगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जब एडमिशन आप कर रहे हो पार्टनर को, नए पार्टनर को, तो उस टाइम पे भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे और एक पार्टनर गेन करे।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम इसे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.